गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी तो बाद वापरी कोटकपुरा गोलीकांड मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम ने फरीदकोट की अदालत दे विच पंजवां सप्लीमेंटरी चलान पेश कर दिता है। इस चलान दे विच भी साबका डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल, साबका डीजीपी सुमेर सिंह सैनी, आईजी परमराज उमरा नंगल, साबका डीआईजी अमर सिंह चाहल, साबका एसएसपी मोगा चरणजीत शर्मा ते तत्कालीन एसएसपी फरीदकोट सुखमिंदर मान खिलाफ सप्लीमेंटरी चलान पेश किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पंजे चलान पेपर दे विच पुलिस ने दोष लगाया है कि कोटकपुरा गोलीकांड की साजिश साबका गृह मंत्री सुखबीर सिंह बादल अते पुलिस अधिकारी सुमेर सिंह सैनी ने ही रची सी। जांच टीम ने तीन मैंबरां दे दस्तखतां हेठ तैयार की पड़ताल रिपोर्ट बीते दिन अदालत पेश करती है। इस रिपोर्ट दे विच कहा गया है कि सुखबीर बादल अते सुमेर सैनी ने डेरा प्रेमियों नूं खुश करन अते चोणां दे विच उन्हां दीआं वोटां हासिल करन दे मकसद दे नाल कोटकपुरा गोलीकांड की साजिश रची। जांच टीम ने सुखबीर बादल, साबका डीजीपी सुमेर सैनी, आईजी परमराज सिंह उमरा नंगल, एसएसपी सुखमंदर सिंह मान, थाना सिटी कोटकपुरा दे साबका एसएचओ गुरदीप सिंह खिलाफ जांच रिपोर्टा, फोरेंसिक रिपोर्टा, घटना दौरान वरते गए असले दीआं रिपोर्टा, गवाहां दी सूची ते होर दस्तावेज अदालत नूं सौंपे ने। अदालत ने चलान दीआं फाइलां प्राप्त करन तों बाद इस मामले दी अगली सुनवाई 1 मार्च नूं निर्धारित कर दित्ती है। अदालत ने मुलजमां नूं नोटिस जारी करके 1 मार्च नूं अदालत सामने पेश होण दी वी हदायत कीती है। विशेष जांच टीम ने कोटकपुरा गोलीकांड मामले दे विच पहली चार्जशीट 24 फरवरी 2023 नूं दायर कीती सी। पहले चलान दे विच 7000 पन्ने सन। इस दे विच अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल दे साबका डीजीपी सुमेर सैनी नूं मुख मुलजम बनाया गया सी। दूसरा चलान 24 अप्रैल 2023 नूं एसआईटी ने 2400 पन्नियां दा पेश कीता। तीसरा चलान सिट ने 28 अगस्त 2023 नूं पेश कीता सी। तीसरा चलान 2502 पन्नियां दा सी। इस तों बाद चौथा चलान 15 सितंबर 2023 नूं दायर कीता सी जो कि 22 पन्नियां दसी। इस तो पहला ही नामजद पुलिस अधिकारियों खिलाफ धारा 118 ते 119 तहत चलान पेश किया गया सी। चलान दे विच तथ्यां नूं नजरअंदाज करन दे भी दोष लगाए गए सन।